2019 की चुनावी चौसर बिछ चुकी है। चुनाव आयोग कुछ ही दिनों में आम चुनाव की घोषणा कर देगा। शह और मात के खेल में सभी दलों ने अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को हथियार बनाकर एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ अल्पसंख्यक राग अलाप कर मोदी सरकार को मुश्किल में डालने की जद्दोजहद कर रही है। मुस्लिम मतों को साधने के लिए कांग्रेस ने सम्मेलन बुलाया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को नेहरू और इंदिरा के समय सबका साथ मिलता था, लेकिन जैसे ही 90 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस का वोट बैंक दरकता चला गया। नौबत यहां तक आ गई कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटों पर आकर सिमट गई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस सभी को साधने में जुटी है। जहां हिंदुत्व के एजेंडे को हथियार बनाने के लिए राहुल गांधी टेंपल रन से लेकर राम और शिव के अवतार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी 7 फरवरी को दिल्ली में अल्पसंख्यक अधिवेशन करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में दिल्ली और दूसरे राज्यों के कुल 4,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सकेगा। कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद अल्पसंख्यक अधिवेशन का फैसला किया है, इसलिए कांग्रेस के मुस्लिम नेता इसे कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के इस दांव से हाथ को फिर से मजबूती मिल सकती है, क्योंकि देश में मुस्लिमों की आबादी 14.32% है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर में तो इनकी आबादी 25% से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर हार जीत का फैसला करने की स्थिति में है। इन्हीं राज्यों में मुस्लिम वोटर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, टीआरएस जैसे राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। कांग्रेस फिर से मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद बनने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि क्या पार्टी मुसलमानों के मन में उतरकर मोदी सरकार को मात देने में कामयाब हो पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।